अगर घाटी के दूर दराज इलाके में इस समय जो है वहाँ पर बुनियादी सुविधाओं का अभाव है, कई ऐसे इलाके हैं और उन्हें दूर दराज जो इलाके हैं उसी इलाकों में एक गांव है, अनंतनाग की तहसील डूरू शाहबाद का गांव मंजमोह। इस गांव की जनसंख्या तकरीबन 3,000 से ज़्यादा है। गांव में बिजली पानी की किल्लत के साथ साथ शिक्षा की भी हालत बेहद ख़राब है। इलाके में बिजली के नाम पर लकड़ी के खंभे लगाए गए हैं। दूरदराज इलाकों में शिक्षकों की लापरवाही के कारण बच्चों का भविष्य भी खराब हो रहा है, बर्बाद हो रहा है। लोगों ने सरकार से बेहद नाराज़गी जताई है और इलाके में गरीब लोगों तक बुनियादी सुविधाएं ना पहुंचाने का आरोप भी लगाया है। उनके मुताबिक नेता वोट मांगते तो आते हैं लेकिन उसके बाद कभी अपना मुंह नहीं दिखाते। मोहम्मद इकबाल मेरा नाम है सर। तो मजमू हमारे इलाके का नाम है, तहसील डोरू, डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग। तो बहुत बड़ी बस्ती है, ये गुज्जर बस्ती है, बहुत बड़ी बस्ती है, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये एक बिछड़ी हुई बस्ती है। बुनियादी सहूलियात जो हैं उनके लिहाज से ये एक बिछड़ी हुई बस्ती है। जिस जगह पे आप खड़े हो इसका डिंगूवारी नाम है और यहाँ से कम 22 ऐसे मोहल्ले हैं, गुजर मोहल्ले 22, और जो कि हैबिटेशन में दर्ज हैं, जिनमें 8 ऐसी बड़ी बस्तियाँ हैं कि जिनमें बिजली, सड़क, उनका नाम ही नहीं है। स्कूल तो थे, कहीं कहीं थे, लेकिन हमारे नईम अख्तर साहब ने जो फैसला लिया, चलो वो मिनिस्टर लोग के कुर्सियों पे बैठ के फैसला लेते हैं, उनको तो पता ही नहीं है कि अपर बेल्ट जो हैं गुज्जर बकरवाल हैं, अगर इनको हम कहीं आगे लाना चाहें तो ये कैसे आगे आ सकेंगे। और आगे लाने के बजाय उन्होंने जो हमारे अपर बेल्ट पहाड़ी एरिया के स्कूल थे उनको भी डिफंग कर दिया।